नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। बिहार में सुशासन की सरकार है और अपराधियों की बहार है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोपालगंज जिले से एक खबर सामने आया है जिसमें बेखौफ अपराधियों के द्वारा एक हार्डवेयर व्यवसायी को गोली मार दिया गया है, जिसको गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों द्वारा गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के इस्लामिया हाई स्कूल के समीप का है, जहाँ पे नंद भौजाई एक रेस्टोरेंट के नीचे उसका हार्डवेयर का दुकान था, जो दिलीप विश्वकर्मा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा बताया गया कि अपराधी कोई भी क्यों नहीं हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। एसआईटी टीम की गठन कर दी गई है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन इस घटना के बारे में जब पीड़ित के बहनोई अजीत शर्मा से बात किया गया तो आप भी सुनिए कि उन्होंने पूरे घटना के बारे में क्या बताया। जिनको गोली लगा है उनका नाम दिलीप कुमार शर्मा है, उनके पिताजी का नाम बसंत लाल शर्मा, जो मीरगंज में विश्वकर्मा ट्रेडर्स के नाम पे दुकान चलाते हैं। नीचे में गिट्टी बालू का दुकान है और ऊपर में एक रेस्टोरेंट चलता है जिसका नाम नंदी भौजी है। वहीं पे आज अभी अचानक हम लोग को पता चला, गोली लगा, हम लोग आपके सामने खड़े हुए हैं। अपराधी आकर घुस कर मार दिए, ये जानकारी मुझे है नहीं, ये पता करने पर हो जाएगा। हाँ, रेफर कर दिया गया। मेरा नाम अजीत कुमार शर्मा है, मैं उनका बहनोई हूँ। तो आपने सुना कि पीड़ित के बहनोई अजीत वर्मा के द्वारा पूरे घटना के बारे में क्या बताया गया। उनके द्वारा साफ साफ यह बात बताया गया कि बेखौफ अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई है। जैसे स्थानीय सूत्रों के और परिजनों के माने तो जो पीड़ित है उनके पेट में गोली लगी है, जहां पे उनके प्राथमिक उपचार के बाद गोपालगंज सदर अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन यहाँ से डॉक्टरों ने यहाँ पे उनका उपचार किया और उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अपराधी हेलमेट पहने हुए थे और मोटरसाइकिल से थे और आके उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दिए, जिसमें वो घायल हो गए। अब घटना का क्या कारण है और इस गोलीकांड के पीछे किनका हाथ है, किनकी संलिप्तता है, इस सारी बातों को पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव।